2019 का चुनाव जो है वो अगले साल मतलब अगले सप्ताह इस समय तक तो हमारा कम से कम दिल्ली के लिए हो चुका होगा। और जो लोग भी चुनाव के संदर्भ में किसी भी काम में लगे हैं उनका रिलैक्सेशन का पीरियड होगा अगले सप्ताह इस समय। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि 2014 में कैसा माहौल था और फिर उस माहौल को 2019 के माहौल से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। 2014 के पहले 2013 में सितंबर के अंदर गोवा के अंदर ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे। उसके 10 साल पहले वो लगभग 10-12 साल लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वो 10-12 साल का उनका पीरियड ऐसा था कि जैसे सिर मुंडाते ही कहते ना ओले पड़े, तो जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो अनफॉर्चुनेटली गोधरा हुआ गुजरात में। 10 साल तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के मीडिया में और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उन्होंने उनको बहुत बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने 10 साल किसी मीडिया वाले को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं इशू किए और चुपचाप धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहे और एक प्रकार से एक विकास का गुजरात मॉडल जो है वो देश में तैयार हुआ। और शायद उसी का परिणाम ये था कि 2012 में 13 में उनको वो स्वाभाविक रूप से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की तरह से उभर कर आए। और अगर आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो वो शायद अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं पिछले इतने सालों के इतिहास में जिनके बारे में लोगों को एक साल पहले से फील होना शुरू हो गया था, या ये लोगों की इच्छा जागृत हो गई थी, या लोगों का मन करने लगा था और लोग उनको स्वाभाविक नेचुरल प्राइम मिनिस्टर मानने लगे थे और वो देश के लोगों के सपनों का प्रतीक बन गए थे। और फिर 14 के अंदर उनको ऐतिहासिक सफलता मिली। मैंने 8 अप्रैल को शायद दिल्ली का जब पहला चुनाव होने वाला था तो 2014 के चुनाव के समय मैंने एक 50-60 मिनट भाषण दिया था अशोक रोड पे। हमारे उस समय विदेश से बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के लिए 6-6 महीने 3-3 महीने की छुट्टियां लेके आए थे इंग्लैंड से अमेरिका से। और वो कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई बैरिस्टर थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे, लेकिन उनमें इतना जोश था कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां ली, भारत में आके काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग जो दिल्ली में काम करते थे उनको मैं कोऑर्डिनेट करता था नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पे। तो उस समय मैंने एक भाषण दिया था, वो यूट्यूब पे भी अभी शायद है। तो तब मैंने कहा था कि ये पहला अनोखा इलेक्शन है जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो सरकार जो थी उसका जो इमेज था वो घोटालों वाली सरकार जैसा इमेज था। अब तो लोग भूल गए, लेकिन तब तो 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कितने तरह के ऐसे स्कैम्स की चर्चा होती थी और एक स्कैम से बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा। दूसरा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में ये कहते थे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट है, डबल डिजिट का इन्फ्लेशन है, फिजिकल डेफिशिएंट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कहती थी इंडिया इकोनॉमी रिफ्यूजेस टू ग्रो, ये उस समय एक वातावरण था दुनिया भर में, भारत की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत गिर गई थी। और ऐसे माहौल में मैंने उस भाषण में कहा था कि इस चुनाव में दोनों बातें हैं, एक पिछली सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जो संभावित आने वाला जो उम्मीदवार हो सकता है उसके प्रति एक नेचुरल पॉजिटिविटी डेवलप्ड थी। एक छोटा बच्चा भी उस समय बोलता था मुझको मोदी चाहिए, पता नहीं क्यों बोलता था, शायद उसने देखा भी नहीं होगा मोदी को, लेकिन लोग बोलते थे, बच्चा बोलता था, स्कूल का बच्चा बोलता था मुझको मोदी चाहिए। क्यों बेटा, तुम भी स्कूल में थे, बोलते थे ना, बिकॉज शी ऑल्सो एंडोर्सेज व्हाट आई सेड। तो मैंने कहा ये यूनिक इलेक्शन है, जितने पुराने इलेक्शंस हुए 30-35 साल में वो या तो पॉजिटिविटी पे सिंपैथी पे हुआ, जैसे 84 का इलेक्शन था, राजीव गांधी को 400 सीटें मिली क्योंकि उनकी माँ की डेथ हुई थी, या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी के वीपी सिंह साहब बने तो राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ, ऐसे करके सब चुनावों में। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यानी एक सरकार के खिलाफ नफरत और दूसरे को लाने के लिए अति उत्साह, दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई थी। तो मैंने उस भाषण में प्रिडिक्ट करके कहा था कि इस कारण से इस चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होंगे। और हमने वो देखा कि पहली बार 30 साल के बाद एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिली अकेले, वरना 84 के बाद से जो है लगातार जो है 2014 तक कभी किसी पार्टी को एक साथ मेजॉरिटी नहीं मिली। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। मुझे याद है कि पहली ही बैठक में जो 24 घंटे के अंदर हुई उन्होंने दो फैसले किए थे। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट कहता था कि आप भारत में करप्शन को चेक करने के लिए उसके ऊपर करप्शन के इश्यूज़ के बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए जो सुप्रीम कोर्ट जिसको मॉनिटर करेगा। और पिछली सरकार 2011 के उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। मोदी जी ने पहले 24 घंटे में जो पहला फैसला किया था हमारी कैबिनेट का वो ये था, और पहली मीटिंग में उन्होंने ये कहा सब मंत्रियों को कि अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे कानून स्टडी करो, इतने आज़ादी के बाद से आज तक के कानून हैं, और उसमें जो जो कानून ऐसे लगते हैं कि ये देश के लिए अब उपयोगी नहीं है या उन कानूनों के कारण लोगों का हरेसमेंट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इंस्पेक्टर राज बढ़ता है, उनका रेलेवेंस ख़त्म हो गया है, उनकी लिस्टें बनाओ, उस पर डिस्कशन करो और उन सारे कानूनों को हमें पार्लियामेंट से पास करा के सबको डस्टबिन में डालना है, फिर नए कानून जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप बनाएंगे। तो अभी तो मैं 5 साल बाद आपसे बात कर रहा हूँ, तो 1500 से ज़्यादा कानून पिछले 5 साल में हम लोगों ने पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट का काम होता कानून बनाना, लेकिन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को ख़त्म भी करना है तो वो भी पार्लियामेंट ही करती है। तो 1500 से ज़्यादा कानून पार्लियामेंट ने एक प्रकार से ख़त्म किए, 100 से काफ़ी ज़्यादा नए कानून बनाए, बहुत सारे तो करप्शन को और इंसॉल्वेंसी और कितने कितने तरह के ये जो पैसा लेके बाहर भाग गए इनके लिए फ्यूगेटिव वाला, और बहुत सारे जो है इस तरह के कानून बनाए। और उस 2014 में जो मैंने कहा इंडियाज इकोनॉमी रिफ्यूजेस टू ग्रो, और अभी इस 5 साल के अंदर कोई ऐसा महीना या कोई साल ऐसा नहीं रहा जब भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ना कहा जाता रहा हो कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड। मूडी ने कहा, आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, तारीफ की कि इंडिया इज़ द राइजिंग एंड द शाइनिंग स्टार ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में
वर्ल्ड बैंक की चीफ एक स्टेज पे बैठी थी, मोदी जी के साथ हम लोग एक फंक्शन में थे, उसने कहा 30 पॉइंट उस साल 30 पॉइंट का जंप भारत ने किया था 2 साल पहले, कि आज तक दुनिया का कोई देश 30 पॉइंट का जंप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बार में नहीं कर पाया। अब 142 से 77 तक ले आए हम 5 साल में, यानी इतने ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर, और अभी उनका टारगेट है कि 50 के अंदर हमको इसको डाटा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रैंकिंग है इसको पहुंचाना है। एक के बाद एक आपने देखा कि कितनी स्कीम्स उन्होंने बनाई। उनका पहला भाषण याद करिए 15 अगस्त 2014 का, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर बड़ा दुख होता है कि एक बहन को सूरज छुपने का इंतजार करना पड़ता है शौच जाने के लिए, अपनी कॉल ऑफ नेचर के लिए। और खाली कहा नहीं, भाषण ने मैंने नहीं बोला, उसको फॉलो किया एक्शन से। आज 5 लाख गांव भारत के अंदर इस 5 साल में ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, यानी 5 लाख गांव, 10 करोड़ टॉयलेट बन गए हैं। पहले 1 साल के अंदर अगले 15 अगस्त तक उन्होंने हर बच्चे के लिए सारे हिंदुस्तान के हर स्कूल में जो है अलग से फीमेल टॉयलेट बनवा दिया था। सैनिटेशन कवरेज हमारा 37% था, अभी इंटरनेशनली 97% हमारा सैनिटेशन कवरेज है। और मैंने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का मैं पार्ट था, जहाँ शायद 115 देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, जब वहाँ ये हमारे इस देश का जो सैनिटेशन मूवमेंट है इसकी तारीफ करने के लिए वहाँ प्रेजेंटेशंस थे, और हिंदुस्तान के बाहर के लोग आके ये जो इतनी बड़ी सक्सेस हुई इसके बारे में जो है डिस्कशन वहाँ पे करते थे। उन्होंने उस पहले भाषण में कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, जन धन का एक शब्द प्रयोग किया। हमको भी नहीं समझ में आया जन धन क्या है, हम हालांकि उनके कैबिनेट के मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबका खाता खोलूंगा, हिंदुस्तान के हर आदमी का बैंक में खाता होगा। तो मैं सोचता था ये बैंक में खाता होगा इससे क्या हो जाएगा, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो खाते से क्या करेगा वो। और उन्होंने खाता खुलवाना शुरू किया, उसकी मॉनिटरिंग शुरू की। 26 जनवरी 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम एंटर हो गया था फास्टेस्ट खाते ग्रो करने। आज 34 करोड़ खाते उन्होंने खोल दिए, और खाता खोलने के बाद फिर जब ये डिजिटल इंडिया शुरू किया तो उस देश में जहाँ राजीव गांधी कहते थे 1 रुपये के बदले 15 पैसा पहुँचता है, वहाँ सीधा अब बटन दबता है दिल्ली से 1 रुपये के बदले 100 पैसा, 100 रुपये के बदले 100 रुपया सीधा गरीब आदमी के खाते में चला जाता है। 100-150 स्कीम्स हैं जिनका अलग अलग तरीके से पैसा सीधा, वो नागालैंड में भी हो, उड़ीसा में हो, जंगल में हो, किसी ट्राइबल एरिया में हो, सब जगह पैसा ऐसे ही जाता है। और जब कैलकुलेशन किया पहली बार तो अभी 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया वो इससे पहले कहाँ जाता था, सरकार का पैसा जब गरीब आदमी तक पहुँचने के बीच में 1 लाख करोड़ रुपये बिचौलिए खा जाते थे, ये डाटा जो है निकल कर आया। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा अच्छे खासे संपन्न आदमी हो तुम गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो, अभी से सब्सिडी वापस लेने के लिए भी तो बोल्डनेस होनी चाहिए ना, तो इसको वापस करो। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी वापस कर दी। उन्होंने सारे पैसे को लेके एक स्कीम बना दी, जो लेडीज़ हैं जो चूल्हा फूंकती थी, कैंसर का शिकार होती थी, उनको सीधे उन्होंने जो है 7-8 करोड़ लेडीज़ को वो कनेक्शन दे दिया। उसी पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में 18,000 गांव ऐसे हैं जिनको अभी 70 साल में बिजली नहीं मिली है। अभी सोचिए, अभी थोड़ी देर यहाँ बत्ती चली जाए, यहाँ तो शायद थोड़ी हवा हुआ है तो शायद लोग इतना ना चीखें चिल्लाएं, लेकिन जो अंदर बैठे हैं इसके अंदर
वो दो मिनट में दस मिनट में परेशान हो जाएंगे। कोई दफ्तर को फ़ोन करेगा, कोई बिजली कंपनी को फ़ोन करेगा कि फटाफट बिजली आनी चाहिए। और आप सोचिए, 70 साल से लोग बिना बिजली के हिंदुस्तान के 18,000 गांव में रह रहे थे। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों को ऐसा थोड़ी कि ये पता नहीं होगा, लेकिन सिस्टम उनको बताता था कि वहाँ तो तार नहीं जा सकती, वहाँ खंबा नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, वो तो पहाड़ के ऊपर है, वो तो जंगल के अंदर है, वो कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है। और सिस्टम में लोग ठीक है भाई, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मोदी जी ने 1000 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 989 दिन जो 18,000 गांव थे उसमें आखिरी गांव मणिपुर के अंदर उन्होंने बिजली का खंभा भी पहुंचा दिया, बिजली भी पहुंचा दी। और अब सौभाग्य योजना में एक एक आदमी को इंडिविजुअली वो बिजली जो है देने का काम हो रहा है। इतने सारे रेवोल्यूशनरी काम किए, ये दवाइयों के मामले में, स्टेंट के मामले में, तो मैं समझता हूँ कि कैंसर, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ जो कैंसर की दवाइयों के लिए जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसमें 80% जो है दवाई की कीमत में कमी हो गई। यानी कीमोथेरेपी, एक बार की कीमोथेरेपी की दवाई अगर 1,20,000 रुपये की आती थी तो अब वो काम आदमी का 20,000 रुपये में हो रहा है। पांच छः कोर्स लेने हो तो पहले 7-8 लाख रुपए खर्चा हो जाता था, अभी 1-1.25 लाख में वो काम हो जाता है। जिन लोगों ने स्टेंट कभी डलवाया होगा उनको पता होगा कि पहले स्टेंट जो है डलाने के लिए सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट में जाओ, 1-2 लाख रुपए तो मामूली सी बात है लगता था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी स्टेंट का रेट होता है। वो सरकारी अस्पताल अपने पास समय लगाता, जीबी पंथ में भी आप जाएंगे तो जीबी पंथ अस्पताल में भी स्टेंट लगाने का रेट है, एम्स में भी जाएंगे तो स्टेंट लगाने की। अब उसकी स्टेंट की प्राइस लाखों में जो थी वो मेरे ख्याल से 25-30, 20-30, 25 हज़ार जो है। और एक नहीं, ऐसी कितनी दवाइयों के मामले में, और सारे देश भर में जन औषधि स्टोर खोल दिए हज़ारों की तादाद में। रिटेल जो प्रिंटेड प्राइस से, मैंने तो 6 महीने में हेल्थ में रहा तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जितने नए खोले सब जगह ये दुकानें अंदर खोली, प्रिंटेड प्राइस से 60-80% MRP जो लिखा होता है उससे कम रेट के ऊपर दवाई जो है लोगों के लिए उपलब्ध करा दी। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम जो आयुष्मान योजना है बनाई, आज शायद 10-12 तो अवार्ड उनको इंटरनेशनल मिल चुके 5 साल में। एक तो मेरे अपने मंत्रालय का ये एनवायरनमेंट का हाईएस्ट अवार्ड उनको मिला, भारत का, भारत को अर्थ केयर अवार्ड। लेकिन जो सबसे बड़ी खास बात है, 4 अवार्ड जो उनको इंटरनेशनल मिले वो मुस्लिम कंट्रीज़ ने दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने दिया है, ये वही गोधरा वाले नरेंद्र मोदी हैं जिनको 10 साल दुनिया ने बदनाम किया, जिनको अमेरिका कहता था वीज़ा नहीं देंगे, अब उनको सऊदी अरेबिया ने, UAE ने यानी मिस्र ने, अफगानिस्तान ने और पैलेस्टीन ने, 4 देशों ने उनको अपना इंटरनेशनल अवार्ड दिया है। और पैलेस्टीन का तो सबसे ज़्यादा सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल के अंदर गए। पहले तो कोई प्रधानमंत्री इसराइल जाने की हिम्मत नहीं करता था कि वहाँ जाएंगे तो ये जो मुस्लिम देश है ये नाराज हो जाएंगे, हिंदुस्तान का मुस्लिम वोटर जो है नाराज़ हो जाएगा, लाइन लगा के हमें हराने की प्रक्रिया करेगा। लेकिन मोदी जी ने परवाह नहीं की, उनको जो काम ऐसा लगा कि वो लोगों के हित में है, लोगों को भले ही थोड़ी देर पसंद आए कि ना आए, तो GST करना तो GST किया, डीमोनेटाइजेशन करना था तो डीमोनेटाइजेशन किया। और जब संवेदनशील अपना व्यक्तित्व अपनी संस्कृति के हिसाब से दिखाना था तो आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिना बताए चुपचाप, ना हिंदुस्तान में किसी को पता था, रास्ते में उतर गए, उनको जाके बर्थडे की बधाई देने के लिए भी चले गए। और जब देखा कि बदतमीजी कर रहे हैं तो फिर उनको घर में घुस के भी जो है क्या करके आए, दो बार आपने आप उन्हें भी देखा। ये डोकलाम जो है चाइना वाला मामला,
एक समय आया था ना जब रोज लगता था चीन से लड़ाई हो सकती है। हम जानते हैं क्योंकि हमें कैबिनेट में सब चीज़ें बताई जाती थी, चीन को कैसे उसके अंदर घुटने टिकाए गए, चीन को अपना फैसला डोकलाम में वापस लेना पड़ा। और अभी आपने देखा कि चीन कितने दिन से कितनी बदतमीजी कर रहा था कि एक टेररिस्ट जो इंटरनेशनली नॉन टेररिस्ट है, दुनिया भर के उसने टेररिस्ट ऑपरेशन किए हुए हैं, भारत में भी दूसरी जगह पे भी, लेकिन उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट की संज्ञा देने के लिए भी चीन वीटो करता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व के साथ आपने देखा कि वो काम भी करा के दिखाया। अब ये दुनिया की चौथी जो शक्ति बनाया भारत को, ये कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे, हम लोग तो, मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कहते थे, इस कान से सुनते थे उस कान से निकाल देते, कहते क्यों, मतलब क्या करोगे, कैसे करोगे। मोदी जी के सामने रखा गया विषय, उन्होंने एक मिनट में स्वीकृति दी, उसको हर महीने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। दो तीन साल के अंदर हिंदुस्तान को रशिया, चाइना और अमेरिका के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया। जैसे जैसे आपने अटल जी का उदाहरण देखा था मार्च मई 98 के अंदर, कि दो महीने के अंदर प्रधानमंत्री बनने के उन्होंने पोखरण कर दिया। तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट, और ये मैंने जितना क्लोजली नरेंद्र मोदी को देखा है पाँच साल में, मैंने पिछले समय में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक स्टेटमेंट मैंने ये दी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना, ये संभवतः कोई ना कोई हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों के लिए ये कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग है, ये कोई ना कोई दैवी कृपा है। और दूसरा मैंने एक स्टेटमेंट दिया है पिछले समय में, जो मैंने बहुत बचपन में किताब एक पढ़ी थी अमर भविष्यवाणियाँ करके, उसमें दुनिया जहान के एस्ट्रोलॉजर्स की दुनिया के बारे में भविष्यवाणियाँ थी, नॉस्ट्राडेमस से लेकर आज तक जितने हुए, सब में एक बात ज़रूर थी कि 21वीं शताब्दी में भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उसको पहुंचाने वाला आदमी हिंदुस्तान में पैदा होगा या हो चुका है। तो मैं जब से किताब पढ़ी 40 साल पहले, तब से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ कि भाई आदमी कौन है, कब आएगा, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, बीच बीच में कई प्रोमिनेंट लोग उभरे, लेकिन अब पाँच साल इनके साथ काम करने के बाद मुझे लगता है कि प्रोबेबली दिस इज़ द मैन जिसके लिए प्रेडिक्शन है, जिसके नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनना है। और अभी जो चार पाँच साल में इतने चीज़ों में हम इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल उसमें कॉम्पिटिशन में आके खड़े, मेरे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम फर्स्ट 10 में है। अभी आप लोगों ने कल न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा होगा तो यूनाइटेड नेशंस ने ये जो अभी साइक्लोन का प्रेडिक्शन किया हम लोगों ने चार दिन पहले, अब इतना एक्यूरेसी के साथ आज वेदर का, साइक्लोन का प्रेडिक्शन होता है। सुनामी के अंदर हम नंबर 1 है प्रेडिक्शंस के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इस समय। तो यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली इंडिया की तारीफ की कि ओनली इंडिया कैन डू इट, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन। और उसके बाद चार दिन पहले प्रेडिक्शन करके एग्जैक्ट हमारी मिनिस्ट्री ने दे दिया, और उसके बाद सारा जो है वो लाखों लोगों को इवैक्यूएट करके उनकी, ये उड़ीसा सेम कंट्री है जहाँ 99 में उड़ीसा के अंदर हज़ारों लाखों लोग जो है वो मृत्यु के शिकार हो गए थे, 2000 की सुनामी में अगेन लाखों लोगों के घर वगैरह उजड़ गए थे। तो ये 2000 मोदी जी के बारे में हज़ारों चीज़ें हैं जो मैं अपनी गवर्नमेंट के बता सकता हूँ, और टाइम डजेंट अलाउ, बहुत सारे लोग घड़ी बड़ी देख रहे हैं, भाऊ जी भी घड़ी देख रहे हैं, मैं भी घड़ी की तरफ देख नहीं रहा हूँ क्योंकि देखते ही मेरे को बंद करना पड़ेगा डर के। लेकिन मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि ये 2019 का जो चुनाव है, ये कोई मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना या ये बीजेपी के लिए चुनाव, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, और मोदी जी का इस चुनाव में जीतना, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि मोदी जी का जीतना ये भारत की जीत जैसा है, और ये भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, और हर हिंदुस्तानी का ये, इसमें बीजेपी कांग्रेस ये सब कुछ नहीं,
कांग्रेस का है तो भी उसका भी ये राष्ट्र धर्म है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को भारत का दोबारा से प्रधानमंत्री बना रहे। इसलिए आप सबसे भी मेरी अपील है कि हम कोई आपके इंडिविजुअल वोट के लिए आपसे गुजारिश नहीं कर रहे। अगर आपको जेन्युइनली लगता हो कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए बहुत गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और विजन के साथ काम कर रहे हैं, आपको जेन्युइनली लगता हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 साल 3 मंत्रालय रहते हुए भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए सिंसियरिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, डेडिकेशन से काम किया है, तो फिर वो मैं नहीं सोचता कि वो 60% की वोटिंग, 70% की वोटिंग उसका कोई मायने है। ये सोसाइटी ऐसी जगह है, यहाँ तो कम से कम लोग बहुत फेयरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एक एक आपका मेंबर होता है, एक एक मेंबर से उसके परिवार के साथ आपका गहरा संपर्क होता है। यहाँ तो कायदे से ये बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो जो सोसाइटी का जो RWA है वही इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी के 100% लोगों की पोलिंग कराए। मैं ये समझता हूँ आप 100% पोलिंग को अगर टारगेट करके काम करें, इसकी ना भी परवाह करें कि किसको जाके वोट दे के आएगा। मुझे पूरा पता है कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, ये पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो अपनी कॉन्शियंस और जो उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी है उसका ध्यान करके ही वोट करेंगे। अभी वोट देना भी मैं ये समझता हूँ ये भी एक प्रकार की देशभक्ति का सूचक है, देशभक्ति का ये सिंबल है। तो आप सबसे ये अपील है कि एक तो सैटरडे और संडे है तो ज़्यादा गर्मी लगती है, दिल्ली वाले मसूरी चले जाते हैं, तो वो मेहरबानी करके आप सैटरडे संडे मत जाइए। और संडे को जितनी भी हैं सोसाइटीज़ के लोग आए हैं, आप खुद ही अपनी सोसाइटी में कैंपेन चलाकर एक एक घर का एक एक वोट, वो सुबह ही 7 बजे 8 बजे वो पोल हो जाए। और उसके बाद जैसा कि प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ये अगर आप यहाँ से संकल्प लेके आज जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज के ये जो आपने यहाँ इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया, इतने सारे लोग इतनी देर से, इतने इतने सीनियर लोग, इतने इतने रिटायर्ड ऑफिसर्स, और मैं एक बात और कहूँ कि मैं वर्षों से RWA मूवमेंट के साथ जुड़ के काम करता हूँ। जहाँ मैं 20 साल MLA रहा वहाँ भी मेरा कम से कम 349 अपने एक कंस्टिट्यूएंसी की जो RWA और NGOs थी उनके साथ डायरेक्ट मेरा लाइव संपर्क रहता था। और RWA मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मेरे मन में विशेष इज्जत भी है। वो इसलिए है कि ये RWA के लोग सब सेल्फलेस काम करते हैं। इनको ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई टिकट लेना, ना इनका कोई किसी तरह का और कोई पद लेना। जो बीजेपी वगैरह में आपको पार्टी में तो काम करते हैं, उनका तो फिर थोड़ा बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। जिसको कुछ नहीं मिला उसको कॉर्पोरेटर बनना है, किसको कॉर्पोरेटर को MLA बनना है। तो लेकिन RWA मूवमेंट में लोग बिल्कुल सेल्फिशली काम करते हैं और अपना पूरा बहुत अमूल्य समय स्पेशली बुजुर्ग लोग लगाते हैं। वो समय जो उनको अपने पोते पोती देवता देवती उनके साथ जो क्वालिटी समय बिताना होता है वो उस समय को लगाते हैं कि यहाँ पर सीवर चौक हो गया है, यहाँ पर दीवार खड़ी करनी है, यहाँ जो है घास नहीं है, यहाँ पर जो है जिम लगना है, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, और उसको फिर परस्यू करते हैं, उसको चिट्ठियाँ लिखते हैं, टाइप कराते हैं, टाइप करा के फिर देने जाते हैं, लेने आते हैं, फिर परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक प्रकार से एक अपनी पर्सनल लाइफ का क्वालिटी समय इस RWA मूवमेंट के लिए देते हैं, क्योंकि ये एकदम थैंकलेस जॉब है। मुझे पता है कि इसलिए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। आपको आपके इस सेल्फलेस सर्विस में आप लगे हैं इतने वर्षों से, उसके लिए प्रणाम भी करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों में सहरावत जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक एक व्यक्ति से कई बार मिलना संभव नहीं होता। मैं तो लगातार 12-14 घंटे वॉक कर रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि शायद सब जगह तक जाना संभव नहीं है, लेकिन जो मेरा संदेश है इसको आप अपनी सोसाइटी के सभी मेंबर्स तक पहुँचाएंगे, इस इच्छा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।